एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जानते हैं कल सुबह से लगातार एबीपी न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स उन तमाम इलाकों पर तमाम रूट्स पर मौजूद थे जो पुलिस ने एनओसी देते वक्त जिसके लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। इनफैक्ट उन तमाम इलाकों पर मौजूद थे जहां पर इन किसान संगठनों ने या अपने आप को किसान कहने वाले आंदोलनकारियों ने घुसने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ वहां पर जगविंदर पटियाल मौजूद है, इस वक्त हमारे साथ मनोज वर्मा मेरे सहयोगी मौजूद है, इस वक्त अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी मौजूद है, प्रफुल्ल मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जगविंदर, आज जो राकेश टिकैत कह रहे हैं इसका मतलब तो यही है, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी हो आपको गोली मार देनी चाहिए थी, और अगर मार देती पुलिस गोली तो फिर कहते हाय हाय देखिए ये क्या कर दिया, हमारे आंदोलन पर इन लोगों की पहले ही काली नजर थी। देखिए रूबिका, सबसे पहली बात तो यह है कि किसान पर कभी गोली नहीं चलाई जाती और फोर्सेस कभी भी ये नहीं चाहती कि किसानों के खिलाफ आर्मी इस्तेमाल हो या उनके ऊपर गोली इस्तेमाल हो। ये राकेश टिकैत का जो बयान है ना, ये बयान किसी किसान नेता का बयान नहीं है। ये जिस तरह से खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला बयान होता है, ये उस तरह का बयान दिया गया है कि अब इनको ये पता नहीं लग रहा है कि क्या जवाब दें। राकेश टिकैत को वो तस्वीरें देखनी चाहिए थी जब नीचे ड्रेन के पास पुलिस वाले 250-300 पुलिस वाले पिट रहे थे, ड्रेन में कूद रहे थे, भाई वो गोली चलाते वो तो उनको कुछ कह ही नहीं रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने ये भी साबित कर दिया इस तरह का बयान देकर कि इनके आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो पता नहीं किसान थे भी या नहीं थे, क्योंकि अगर ये किसानों के खिलाफ गोली चलाने का ऑर्डर दे रहे हैं तो ये किसान नेता नहीं है, और अगर ये किसान नेता हैं तो ये इस तरह से गोली चलाने की बात नहीं कर सकते। कौन सा नेता चाहता है कि उसके किसान पर गोली चला दी जाए? शर्मानी चाहिए राकेश टिकैत को इस तरह की बातें करते हुए, और संयम से बयान देना चाहिए। जिन किसानों के नाम पर आप सियासत करते हो, जिन किसानों के नाम पर आपने चौधर बना रखी है, उनको गोली मारने की बात करते हो, या फिर ये कहिए कि हमारे आंदोलन में उपद्रवी तत्व घुसे हुए थे उनको गोली मारनी थी। लाल किले को लाल, लाल किले को लाल नहीं किया जा सकता। इन्होंने सबको अपने साथ खड़ा कर दिया, तब नहीं देखा कि लॉ एंड ऑर्डर इनमें से कौन संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है, कौन कानून के दायरे में रहकर आंदोलन कर सकता है या नहीं कर सकता है। और अब जब हंगामा बरपा है तो कह रहे हैं कि ये साहब तो हमारे साथ है ही नहीं। अभी मेरे साथ मनोज भी है, मेरे सहयोगी अंकित भी मौजूद है। मनोज, पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, मनोज के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना है। इसलिए दिखाना है क्योंकि पुलिस ने अब क्लियर कर दिया है कि जिस जिसने कल लाल किले का और पुलिस का जो हश्र किया है वो बचने वाले नहीं है। देखिए ये अपडेटेड रिपोर्ट। एक दिन पहले देश के दिल दिल्ली को किसानों ने जो जख्म दिया, अब उसका हिसाब किया जा रहा है। हिंसा में शामिल किसान नेताओं की जांच से पहले किसान नेता के हाथ जोड़ने की ये तस्वीर देख लीजिए। पीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीएम सिंह, इन्होंने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। वीएम सिंह भी उन 37 किसान नेताओं में शामिल हैं जिन पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक बार सिलसिला शुरू हुआ तो दिल्ली यूपी चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु ने भी आंदोलन से अलग होने का ऐलान कर दिया। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूँ और इतना शर्मसार हूं कि घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। जिस गाजीपुर बॉर्डर से कल किसानों ने उत्पात की शुरुआत की, वहीं से किसानों के संगठन में मतभेद खुलकर सामने आ गए। गाजीपुर बॉर्डर पर ही वीएम सिंह का विरोध शुरू हो गया। रात को 9 बजे तय किया गया कि रूट जो है, जो आपने दिया है, थोड़ा सा उसके अंदर जाके हम जो है गाजियाबाद में जाके निकल जाएंगे
और रूट जो सरकारी रूट ये होगा। फिर ये हुआ कि नहीं, राकेश टिकैत वगैरह शायद चाह रहे हैं अलग रूट करना। मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस सामने बनाया था, कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। एक तरफ किसान आंदोलन की हवा निकलती दिख रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।